हेलो फ्रेंड, ये है टाटा BS3 का हेड गैस्केट जिसको हम लोगों ने खोला है। और इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि यहाँ से आयल लीकेज हो रहा था, और ये देख सकते हैं यहाँ से कटने का कारण ये, मतलब यानी आगे से कर रहा था, जो हमारा फ्री फैन लगता है विस्कस, वहाँ से कर रहा था ये। तो इसके लिए हम लोगों ने खोला है। ये प्रॉब्लम किस कारण से आया है कि हमारा बोल्ट जो है हेड का कम ज़्यादा टाइट करने की वजह से आया हुआ है, बराबर ना। इसमें क्या है कि आपको 110 और 120 ही टॉर्क लगानी है। टॉर्क रिंच जो आती है हमारी 120 सब में लगानी है। अब मान के चलो आपने आधे में लगाया 100 और एक में लगाया, बाकी में लगाया 120, तो उससे क्या होगा आपका कि हेड गैस्किट जहाँ से उसको मिलेगी कंप्रेसर वीक होगा, वहाँ से वो हट जाएगा और बहुत सारे तकलीफ़ें करेगी। तो यहाँ पर तकलीफ ये आया, यहाँ से गैस्किट गया हुआ था ये, और आगे से लीकेज आयल होना चालू हो गया था। तो ये ध्यान रखना है, 110 और 120 मारनी है, टॉर्क लगानी है इसमें टॉर्क रिंच से। और बाकी ये देख सकते हैं हमने हेड भी खोल दिया है। बस यही इन्फॉर्मेशन देना था आपको कि टॉर्क लगाएं तो 110 और 120, और पूरे बोल्टों में सेम लगाएं। अगर 110 लगा रहे हैं सब में तो सब में 110 ही लगाना है, और 120 लगा रहे हैं तो 120 ही लगाना है। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।